सो हेलो डी ऑफिस से आपका हार्दिक स्वागत है जयपुर क्लास में। और जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 10 का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि यंग के प्रयोग पर आधारित होगा। यंग का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, यंग के द्विक रेखा छेद का प्रयोग जो उन्होंने स्लेट पर प्रयोग किया था, हमने आपको पढ़ाया भी है। यंग के द्विक रेखा छेद पर जो व्यतिकरण की व्याख्या हुई थी उसी पर न्यूमेरिकल हम लगाने वाले हैं। इस पर न्यूमेरिकल जो बच्चों पेपर में आने वाला है, इस पर जो न्यूमेरिकल आता है वो 3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल आता है। जब भी न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं वो 3 नंबर का ही आता है। और न्यूमेरिकल बहुत ही सरल होता है, बस समझने की बारी होती है। देखने तो बहुत बड़ा लगता है, बस एक छोटा सा तरीका लगने वाला है, उसको कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन तरीका एक छोटा सा लगने वाला है, बस थोड़ा सा समय दीजिए उसका। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6,000 इंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए व्यतिकरण प्रयोग में 6,000 इंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे के फ्रिंज की चौड़ाई इतना सेमी है, और इसी स्थिति में यदि 5,000 एंगस्ट्रॉम तरंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी। देखिए दो कंडीशन में पूछा है, पहले पहले क्या ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों जो स्लिट यंग ने प्रयोग किया था, ये दोनों स्लिट है, ये दोनों स्लिट स्लिटों के बीच की जो दूरी होती थी उसको हम लोग डिनोट करते थे स्मॉल डी से, ध्यान दीजिएगा स्मॉल डी से। जैसा जैसा होगा हम आपको बताते जाएंगे, क्लियर, ध्यान से देखिए। देखिए पहले आपको दिया क्या है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6,000 इंगस्ट्रॉम। तो पहले पहले अगर आपको जो तरंग दैर्ध्य दिया गया है, पहले पहले मान लीजिए लैम्डा 1 आपको दिया गया है 6,000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हटाएंगे तो 6,000 एंगस्ट्रॉम माने 10^-10 मीटर, इतना बच्चों हम अभी लिखे रहते हैं, उसके बाद जैसा होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। इतना तक तो सभी लोग कर लेंगे, क्लियर है, यस ओके। अब देखिए अब यहां से आपको करना क्या है कि देखिए 6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर, ये आप यहां पर जो हमने बताया ये आपकी स्लिट है, ये जो द्विक रेखा चित्र है ना ये आपका स्लिट है, यहां पे बच्चों पर्दा है। स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे माने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती थी उसको हम लोग डिनोट करते थे कैपिटल डी से, और कैपिटल डी का वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया 1 मीटर, समझिएगा। ये यहाँ से स्लिटों से पर्दे की दूरी थी, और क्या दिया गया है फ्रिंज की चौड़ाई जो कि कैपिटल होता था, फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डब्ल्यू बराबर 0.06 सेमी है, इसको मीटर बदलेंगे तो 0.06×10^-2 मीटर। अब आप कहेंगे सर इससे हम निकालें क्या, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है आप पढ़े होंगे, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है डब्लू बराबर डी लेमडा बटे डी, ये आप पढ़े हैं डी लेमडा बटे डी। अब इसमें आपको जो जो चीजें दिया गया है वो वैल्यू पहले रख कर एक वैल्यू पहले यहाँ से निकालिए। अब यहाँ से आप कहेंगे सर सब चीज दिया गया है, छोटा डी का वैल्यू निकालिए, छोटा डी बराबर, छोटा डी जानते हैं ना इन स्लिटों के बीच की दूरी, अब इसको यहाँ पर लाएंगे डी लेमडा अपान में डी, डी लेमडा ये यहाँ चला गया, यहाँ पे आगे डब्ल्यू, अब वैल्यू पहले रख दीजिए, वैल्यू रखिए देखिए क्या आता है। देखिए अब यहां से अगर हम लोग हल करें तो डी बराबर डी कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 1, लैम्डा का यहाँ पे 6,000×10^-10 अपान में, और कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 0.06×10^-2। अब आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये देखिए 6^3, इसको 6×10^3 या 10^3, ये बच्चों ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा
10 के घाते इसमें से घट जाएगा, 10 के घाते -8, ये 2 जाएगा क्योंकि ये माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस से घट जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8, और नीचे आपका 0.06। अब सिंपल तरीका यह है दशमलव हटाने के लिए, आप बहुत से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आराम से 100 का ऊपर 100 का नीचे गुणा करेंगे, दशमलव आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और 2, 10 के घाते 5, और 10 के घाते -8, और नीचे आपका दशमलव हटकर 6 हो जाएगा, 6 6 आपका कट गया, तो अंत में आया 10 के घाते -3 मीटर। ये आपका स्लीटों के बीच की दूरी निकला। अभी बच्चों ये स्मॉल डी का वैल्यू निकला, और हमें पूछा क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। हमसे पूछा है फ्रिंजों की चौड़ाई अब क्या होगी जब तरंग दैर्ध्य इतना हो जाएगा, जब तरंग दैर्ध्य इतना हो जाएगा तब स्लीटों की चौड़ाई क्या होगी। तो आपको यहाँ पे स्मॉल डी का वैल्यू निकल गया, यही आपको यूज करना है, फार्मूला फिर लगाना है, डब्ल्यू बराबर डी लेमडा अपान में डी, यही हमें फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है जब लेमडा चेंज हो जाए। देखिए यह डी का वैल्यू तो एक ही रहने वाला है, पर्दे के बीच की दूरी वही होने वाला है, स्लिट से पर्दे की दूरी, स्लिट से पर्दे की दूरी, जब स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, और लेमडा अब वो बोला गया है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम माने 10 के घाते -10, और यह डी का वैल्यू आया 10 के घाते कितना -3। तो अंत में डब्ल्यू बराबर, इसको हम लोग हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, ये आपका 5, इसको आप ऐसा करिए कि 5 × 10 की घाते 3, 5 × 10 की घाते 3, ये माइनस जाएगा इसके साथ प्लस हो जाएगा, 10 के घाते माइनस, प्लस से घट जाएगा, 10 के घाते -7। तो अंत में फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आई, 5 × 10 की घाते -4 मीटर, ये आपका आंसर। बस एक बार फार्मूला आपको यही यही फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, यही फार्मूला रख के पहले आपको डी का वैल्यू निकालना है, और वही डी का वैल्यू फिर फार्मूला रख के हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू फ्रिंज की चौड़ाई। क्या आप लोग कर लेंगे, एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, सभी लोग कमेंट करेंगे समझ में आया या नहीं आया, फिर हम आपको अच्छे से बताएंगे, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और, इस पर क्वेश्चन लगाते हैं जैसे आपके प्रैक्टिस बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए पेपर में बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछने वाला है, बहुत ज्यादा टफ ना पूछेगा, ना रहेगा आपके चैप्टर से ही, और फार्मूला बेस ही रहेगा। बच्चे बहुत ज्यादा लेंथी देखकर उसको सोचते हैं अरे ये कौन पढ़ रहा है। देखिए इस चैप्टर को हम सिलेबस में ऐप में पढ़ा चुके हैं, एक आध दो टॉपिक जो भी है उसको हम कवर करते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उसका आपकी पढ़ाई का ही हिस्सा है, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे, यंग के द्विख रेखा चित्र प्रयोग से पर्दे की दूरी, देखिए पर्दे की दूरी जब बात करें तो ध्यान दीजिए, पर्दे की दूरी हम लोग का क्या होता है, कैपिटल डी, कैपिटल डी बराबर दिया गया है 100 सेमी, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 × 10 की घाते -2 मीटर, अंत में यह घटकर बच्चों आ जाएगा 1 मीटर। आप सभी लोग जानते हैं 100 सेमी बराबर होता है 1 मीटर, इतना तो सभी लोग जानते हैं। अब देखिए क्लियर, अब देखिए क्या दिया है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मतलब लेमडा बराबर आपको दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब होता है 5000 एंगस्ट्रॉम मात्र 10 के घाते -10, और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 के घाते -3 मीटर, 10 घाते 3 नहीं बच्चों, क्योंकि यह घट जाएगा ना, 10 घाते 10 में से 3 निकल जाए, 10 घाते -7 मीटर, ये आपको दिया है। स्लीटों के बीच की दूरी, देखिए स्लीटों जहां पर दिया जाए बच्चों, स्लीटों माने दो स्लीट, दोनों स्लीट हैं, वो आपको दिया गया है स्मॉल डी बराबर दिया गया है 0.05 सेमी, मीटर बदलेगा 0.05 × 10 घाते -2 मीटर। आपसे फ्रिंज की चौड़ाई पूछा है, कैपिटल डब्ल्यू आपसे पूछा है, और फ्रिंज की चौड़ाई फार्मूला तो हम अभी बता चुके हैं, इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, डब्ल्यू बराबर डी लेमडा अपान में डी, तो कैपिटल डी का वैल्यू है 1, और लेमडा का वैल्यू कितना है 5 × 10 की घाते -7, और उसके बाद जो आगे दिया गया है स्मॉल डी का वैल्यू यहाँ पे 0.05 × 10 की घाते -2,
दशमलव हटाने के आप ऐसा काम करिए, 100 का ऊपर नीचे उड़ा करिए, ये सबसे इजी तरीका यही है। तो अंत में आपका ये देखिए, ये 5, ये 10 घाते 2 है, इसमें से घट जाएगा 10 घाते -5, और नीचे दशमलव हट जाएगा 5 × 10 घाते -2, ये 5 5 कट गया। अंत में ये बच्चों जाए घाय घट जाएगा 10 घाते -3, कितना आ जाएगा 10 घाते -3। ओके क्लियर? तो ये बच्चों रहा हमारे क्वेश्चंस, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों थोड़ा सा फोन आ गया घर से, जरूरी था। ये रहा आपका क्वेश्चन, जो कि आंसर भी 10 घाते -3 से ही बनकर आ चुका है। तो अब हमें नहीं लगता कि इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप, ये बच्चों आंसर मीटर में नहीं आएगा, अरे सेम नहीं आएगा, मीटर में आएगा ना, मात्र हमेशा ध्यान देना है। इस प्रकार से अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। इसमें फार्मूला सिर्फ आपका यही रहेगा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। अभी आपका एक दो न्यूमेरिकल उस पर आता है कि पूछा जाता है केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं फ्रिंज की दूरी, तो भी आप आराम से निकाल पाएंगे। उस पर न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी। इस पर 4-5 न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, आप आराम से कर लेंगे। उस पर हम अगले नेक्स्ट पर वीडियो बनाएंगे, तो आप आराम से देख लेंगे। ओके आज यहीं तक, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट है, और ध्यान दीजिएगा इस पर क्लास 12th की पूरी तैयारी करने के लिए हमारे ऐप पर ज्वाइन होना ना भूलें, क्योंकि पूरी यूट्यूब पर मात्र सबसे कम फीस में, देखिए जस्ट वेल क्लासेज, ये हमारा एप्लीकेशन है। आप आराम से इस समय इसका मात्र फीस हम तो अनुमान लगा रहे हैं सिर्फ 199 है। आप आराम से पूरे कक्षा 12 की तैयारी इस समय चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ चल रहा है, तो आप 199 रुपये में पूरी तैयारी कर पा रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार, तो क्या लेने वाले हैं। अगर भाई ज्वाइन होना है तो हमारे इस नंबर पर 83 18 42 15 83 पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके तब तक ऑल द वेरी बेस्ट है।